रहीम, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज इस प्लेटफॉर्म तक पहुँच गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरह आज चकोर वेंचर्स ने यहाँ पर बुलाया, तमाम खिलाड़ियों को यहाँ पर अप्रिशिएट किया है, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जितने बड़े दोबारा कर दिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतने बड़े मेडल से नवाजा। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है जिस तरह आज यहाँ पर हमें चकोर वेंचर्स ने यहाँ पर इनवाइट किया, जिस तरह अप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि इतने बड़े लेवल पर, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हमारी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है तमाम पहलवानों की और तमाम बाकी खिलाड़ियों की, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज मौका भी है, अजीम पहलवान का इंतकाल हुआ है जापान के, उनको कुछ पेश करना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से। जी बिल्कुल, हम सबकी दुआ और मोहब्बत उनके साथ सारी ज़िंदगी उनकी रही भी है और इंशाल्लाह उनके लिए दुआए मगफरत भी हम करते हैं। बहुत ही अजीम पहलवान थे, अनोखी पहलवान, उन्होंने बहुत पाकिस्तान से उनको लगाव बहुत ज़्यादा था, जिस तरह उन्होंने पहले फ़ाइट्स की और उस अब जो है जारे पहलवान के भतीजे को वो वहाँ पर ट्रेन भी कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पूरे पहलवान उनको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं और उनके लिए दुआए मगफरत करते हैं। थैंक यू। जी बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान में एक भी रेसलिंग की एकेडमी नहीं है। गुजरांवाला पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहा है, पहलवान हर इवेंट पर जाकर मेडल जीत रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक एक रेसलिंग एकेडमी भी नहीं है। तो मैं यही अपील करूंगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि रेसलिंग को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाए ताकि मज़ीद जो हमारे आने वाले खिलाड़ी हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, वो आगे आए और इस खेल में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। थैंक यू। देखें, ऑलरेडी हम एक मैं रेसलिंग एकेडमी को चला रहा हूं, ज़रूरी नहीं कि मेरे नाम की बने, पाकिस्तान के नाम की बन जाए, ज़रूरत ये है कि वहां पर सहूलियात प्रोवाइड की जाएं और डेफिनेटली हमारे जो खिलाड़ी जिस तरह मेडल जीत रहे हैं, हम वर्ल्ड और ओलंपिक में मजीद मेडल जीत सकते हैं।